स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हाँ, हम पिछले वीडियो से कुछ केस स्टडी कर रहे हैं और क्लास 11th में आने वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में जो कुछ डाउट करियर रिलेटेड होते हैं उनको हम दूर करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि क्या क्लास 11th में मैथ होना ज़रूरी है या नहीं है, क्या उसको एडिशनल भरा जा सकता है या नहीं भरा जा सकता, ये हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज हम एक और केस यहाँ पर स्टडी करेंगे। हमारे सामने एक ऐसी ही प्रॉब्लम आई कि स्टूडेंट क्लास 11th में आया और क्लास 11th में आने के बाद एक महीना तो उसने साइंस में रुका, लेकिन फिर उसके दिमाग में बात आई कि मुझे साइंस नहीं करनी चाहिए, मुझे कॉमर्स कर लेनी चाहिए। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा साइंस में आगे बढ़े, लेकिन स्टूडेंट अपने सराउंडिंग की वजह से और बच्चों के इन्फ्लुएंस की वजह से उसको ऐसा अचानक लगने लगा कि साइंस का स्कोप कम है, कॉमर्स का स्कोप ज़्यादा है। एक परसेप्शन बन जाता है, जनरली एक परसेप्शन बनता है कि आजकल तो इंजीनियरिंग में जॉब ही नहीं है। एक दिमाग में एक बात घर कर जाती है। और आजकल तो एक और खास बात हो रही है कि स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और उसके बाद फिर वो दोबारा से SSC और CGL वगैरह एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। जब 11th क्लास का बच्चा, जिसको अभी भी पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पूरी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, जब वो देखता है कि इंजीनियरिंग के बाद दोबारा से SSC की तैयारी करनी है, CGL की तैयारी करनी है, तो फिर वो यही सोचता है कि क्यों ना मैं पहले से ही एक ऐसा स्ट्रीम लूँ जिससे मुझे SSC तैयारी करने में, CGL वगैरह की तैयारी करने में आसानी हो। और वो इसी दुराहे पे आके खड़ा होता है, और ऐसे में अगर कोई उसको ज़रा सा भी गाइड मिसगाइड कुछ भी कर देता है तो उसी तरफ डेविएट होता चला जाता है। ऐसा ही कुछ केस हमारे स्टूडेंट के साथ था कि वो इस बात में कंफ्यूज था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे कॉमर्स में जाना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए। इवन साइंस की क्लासेस छोड़ के उसने कॉमर्स की क्लासेस को भी अटेंड करना शुरू किया। पेरेंट्स बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान। और एक दिन फिर वही हुआ कि सभी के सभी हमारे सामने उपस्थित हुए कि देखिए क्या करते हैं। देखिए, बात यही होती है कि बात में से बात निकलती है, बात में से सॉल्यूशन निकलते हैं। मैं आपसे सिंपल सी बात यही कहूँगा कि आपके पास हर तरह के न्यूज़पेपर आते हैं, अखबार आते हैं, और उनके अंदर डेफिनेटली जॉब्स वगैरह के कॉलम होते हैं। उन जॉब्स के कॉलम के अंदर आप देखिए कि आजकल किस तरह के जॉब्स का ट्रेंड है। क्या साइंस स्ट्रीम वाले जॉब्स का ट्रेंड है, कॉमर्स स्ट्रीम वाले जॉब्स का ट्रेंड है, या आर्ट्स स्ट्रीम वाले जॉब्स का ट्रेंड है। आप वहां से एक लिस्ट बना लीजिए कि किस फैकल्टी के, किस स्ट्रीम के जॉब सबसे ज़्यादा निकलते हैं, और उसके बेसिस पे कम से कम एक बात तो क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में कि भाई इसकी डिमांड ज़्यादा है, इस स्ट्रीम की डिमांड ज़्यादा है, हमें उस स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए। आप देखेंगे मैक्सिमम जॉब मार्केटिंग के निकलते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने वाले फैकल्टी के निकलते हैं, या और भी टेक्निकल जॉब निकलते हैं, इंजीनियर्स के जॉब निकलते हैं, डॉक्टर्स के जॉब निकलते हैं, मेनली निकलने वाले जॉब यही होते हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा कि आने वाले समय में आप जो भी पढ़ाई अब करेंगे, आपको ये सोचना है कि आने वाले 4-5 साल के बाद उसकी कितनी ज़्यादा वैलिडिटी रहेगी। एक चीज़ आप लगातार गौर कीजिएगा कि हमारी दुनिया, हमारा संसार ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहा है, हर चीज़ कंप्यूटर बेस्ड होती जा रही है, और कंप्यूटर बेस्ड का मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब IT डिपार्टमेंट या कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। यानी धीरे धीरे हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, हमारे पूरे काम के ऊपर कंप्यूटर हावी हो रहा है, सॉफ्टवेयर हावी हो रहे हैं, और इन सॉफ्टवेयर को कौन हैंडल करेगा, इन सॉफ्टवेयर को हैंडल करेगा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक IT इंजीनियर एटसेट्रा, वो इन सारी चीज़ों को हैंडल करेगा। तो इसीलिए मैं आपसे यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करने से पहले आप आने वाले समय में उसकी क्या वैलिडिटी है, क्या ऑथेंटिसिटी है, कितनी डिमांड है, इस बारे में ध्यान ज़रूर रखिएगा, और वहाँ पर उसका ध्यान रख के ही अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट कीजिएगा। हाँ, मैं यहाँ पर उस बच्चे को हमने यही राय दी कि आप साइंस स्ट्रीम में रहिए, क्योंकि आप चाहते हैं आपको एक अच्छा जॉब मिले, एक लग्जूरियस एनवायरनमेंट मिले। तो अगर आपकी डिमांड यही है, इंडस्ट्री की भी डिमांड यही है, तो बेटर है आप साइंस स्ट्रीम को ही अपने पास रखिए। और उसका नेट रिज़ल्ट हमें देखने को मिला कि वो स्टूडेंट कुछ समय बाद दोबारा से अपने साइंस स्ट्रीम को कंटिन्यू कर रहा है, और एक बहुत ही अच्छे उत्साह के साथ वो इस बात को आगे लेके बढ़ रहा है। तो उम्मीद है इस केस स्टडी से आपको भी हेल्प मिलेगी कि साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम, किस स्ट्रीम की तरफ आपको डेविएट होना चाहिए। ऑल द बेस्ट।